जिसका नाम है पार्ट 3, और ये डिटेक्टिव स्पाइडरमैन की कहानी है। तो टाइटल है सलीम को मिला न्यू पावर रास। ठीक है, तो अब सलीम को क्या मिलता है, किस चीज़ का पावर मिलता है, वो हम लोग को पता चलेगा। सलीम बन के लखनऊ आया किसी को मिलने, वो गलत कर रहा था। मतलब वो जब लखनऊ आया था तो वो जो भी चीज़ कर रहा था ना, वो गलत कर रहा था। सबको मार के पुलिस भी मना किया, कौन था जिसको वो ढूंढ रहा था। मतलब कि पुलिस ने उसको पकड़ा था ना, तब भी पुलिस वाले मना कर रहे थे, तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ठीक है छोड़ दो ये सब। तो क्या वजह थी सलीम को, चलो चलो स्टोरी में चलते हैं। पार्ट 3 में सलीम सुबह सुबह घर जा रहा था, बट बैड न्यूज़, डॉक्टर स्नेहा को पता चला राजीव एक गैंगस्टर है। वो डर के एक रूम में लॉक हो गई। आप लोग ने मेरा पार्ट 1 देखा था ना, उसमें स्नेहा कौन है वो आप लोग को सब समझ आ जाएगा, ठीक है। बट सलीम हेडफोन लगा के घर जा रहा था, तब लेफ्ट और राइट से कार और ट्रक आ रहा था। बट वो झम करके पाइप पे जाके गिरा और सोचा, घर आ गया क्या, वो सोचा। बट जैसे ही हेडफोन निकला, वो पाइप पे लटक गया और बोला, हेल्प हेल्प हेल्प। मतलब वो जैसे ही पाइप पे चढ़ा ना, वो लटक गया, तो सबको को बुला रहा, हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो, मैं कैसे इधर चढ़ गया, ऐसे बोला, मैं यहाँ कैसे आया। जब नीचे उतर के फायरमैन ने, मतलब उन लोगों ने, सबने फायरमैन फायरमैन भी बुला दिया कि सीढ़ी से चढ़ के वो उनको उसको उतार दे। तो बोला कि तब जब उतर रहा था ना, तब फायरमैन ने बोला एक लड़के ने कि तुम ऊपर कैसे चढ़ गए, कैसे लटक रहे थे। तो सबने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया, कर लिया। एक ने बोला, मैंने रिकॉर्ड किया है, देख लो। जब वो देखा, वो शॉक्ड हो गया, घर चला गया। फिर वो सब कुछ लॉक्ड करके लेटा ही सो जाते थे। 2 आवर बाद, 2 आवर्स के बाद उठ के डॉक्टर स्नेहा को कॉल किया करता है, बट वो उठाती नहीं है। न्यूज़ में खतरा है, न्यूज़ में दिखाता है कि डॉक्टर स्नेहा किडनैप हो गई। उसे ढूंढने चला जाता है इंदौर। अब एक बात याद रखो कि वो डॉक्टर स्नेहा को तो फ़ोन करता है, पर वो डॉक्टर स्नेहा उठाती नहीं है, वो गायब हो जाती है। अब वो उसको किडनैप कौन करता है, डॉक्टर स्नेहा को, वो आप लोग को पार्ट 4 में पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।